तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, फिट एंड फाइन। मतलब माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यार बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन से मतलब व्लॉग नहीं आया मेरा, 7 दिन। क्योंकि ऐसा था ना, मतलब अर्जेंटली मैं कहीं बाहर चला गया था और वहाँ मेरी हो गई थी तबीयत खराब गंदी वाली। तो मैंने संजय और शिव को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ। 6-7 दिन से मेरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। आज बात हुई थी तो यार थोड़ा गाली गलौज कर रहा था, तो गुस्सा तो फिर मेरे को भी आ गया। पर कोई नहीं, आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा करमदारा मतलब थोड़ा सामान वामान लेने और थोड़ा तेल वेल डालाऊंगा इसमें। देख रहा भाई, बाइक बढ़िया लग रही है। कल लाल दिया है था मैं दोस्त की, तो कल रात ही आया था मैं थोड़ा अर्जेंटली। तेल भी कुछ खा रही है दवा के। और ये अपने उधर की रोड में यार काफ़ी टाइम से सोच रहा था कब बनेगी, तो ये बन गई है रोड। भाई यार सही है, मतलब थोड़ा मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि स्पोर्ट्स बाइक वाला लोग आ रहा है। पर हम भी राइड रहे हैं भाई, ऐसे तो नहीं करेंगे। पहले थोड़ा तेल डला लेता हूँ, पेट्रोल पंप चल रहे हैं भाई। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डलाते हैं इसमें तेल। सो गाइस यार मतलब तेल वेल तो डल गया, काफ़ी भीड़ थी वहाँ, तो वहाँ पे दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब आधा घंटा लग गया, अब थोड़ा अंधेरा हो गया यार। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया, थोड़ा मतलब सो गया था, थक गया था वहाँ से आने के बाद। तो यहाँ से अब चलते हैं थोड़ा शॉप पे, थोड़ा काम वाम हो गया है इधर ही या था। मतलब पुराने भाई अपने थापा भाई की दुकान पे कुछ पैक करवाना था, वो पैक तो हो गया। अब चलता हूँ संजय के वहाँ। यार लेट हो गया आज, मतलब पेट्रोल पंप पे लेट हो गई थी, वहाँ भीड़ बहुत हो रही है। वो तो ये भी कह रहे थे कि कल से पता नहीं यार मतलब तेल वेल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो उस वजह से बस दिक्कत है यार, क्या करें भाई। अब बाइक चलानी है तो तेल तो डालना ही पड़ेगा, जब ऐसे भगानी है तो वहाँ तेल तो डालना पड़ेगा ना। यहाँ भी अंधेरा हो गया यार, एक तो लाइटें वाइटें नहीं है ना, एक्सीडेंट हो गया। ये देखो कैसे उल्टा पड़ा यहाँ पे, किसी मतलब डंपर वाले ने या ट्रैक्टर वाले ने ठोक दिया। पर भाग बहुत रही है यार ये, मतलब 90+ तो ऐसी निकल जा रही है, पर ज़्यादा नहीं भगानी, रिस्क नहीं लूँगा ना। नई रोड समझ के भगाने लग गया, पर फिर भी चुल्ल का मिट्री है, बाबा भगाऊंगा। ओ भाई, तो मतलब यार आप ही लोग ये कह रहे होंगे कि यार बिंदु भाई मतलब इतने दिनों से कहाँ गायब थे ये वो। आज भी लेट स्टार्ट किया मैंने व्लॉग, सो रखा था, मैंने आप लोगों को बताया थक गया था वहाँ से आने के बाद। अब मुझे तो ये हो रहा है कि संजय के वहाँ जाऊँगा तो यार एक तो गुस्सा भी है बहुत आ रहा है उसको देख के, भाई बंदा गाली दे रहा है यार मुँह पे, कह रहा है यार। अब उसका कहना भी सही है यार, क्योंकि मैं बिन बताए चला गया था शुएब को, शुएब का तो फ़ोन आया नहीं था क्योंकि वो थोड़ा बिजी है। संजय फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, कह रहा भाई कहाँ है तू, ये वो बनानी वीडियो। मैंने कहा भाई ठंड रख, बनेगी वीडियो तो टेंशन क्यों ले रहा। अब उसी चक्कर में थोड़ी बात करने जाना है संजय से घर पे, आज तक मैंने फ़ोन किया था तो उसे
बात हुई थी, अब गाली गलौज कर रहा था, तो उसने बोला था मैं घर पे ही मिलूँगा, आ जाना कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, बात ही कर लेंगे। अड़ जाओ भाई अड़ जाओ। बिन्नु भाई आ गए। हाँ भाई, आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते, कहाँ हो? संजय छत पर है। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी बहुत स्माइल दे रही है। और कैसे हो सर? बढ़िया। कहाँ थे सर यार आप? मैं यार अभी बताऊंगा, अभी अभी तो पंगा हो गया। कहाँ हो? वो छत पर है, छत पर। और बता, छत पर क्या कर रहा है? अरे भाई धक्का बहुत हो रहा है यार। और संजय भाई क्या हाल है? और डुगु 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 क्या हाल है? तो गाई जी अपने संजय भाई का लौंडा नाम बताओ अपना। डक्कू। और कैसे आना हो गया आज तेरा? फोन भी नहीं उठा रहा तू, और ना ही तू मतलब कोई रिप्लाई दे रहा। ये कोई तरीका तो होगा यार। हमें यार तो भाई मैं चला गया था यार भयंकर, मैं नहीं उठा पाया तो। जाने को मैंने रोका तुझे, बता जाने के लिए मना करता हूँ मैं। अरे तो नाराज क्यों हो रहा है यार? नाराज वाली बात नहीं है यार बिन्नू, तो यार इतनी मेहनत करने के बाद भी पता दूसरे मजाक बनाएंगे अच्छा लगेगा तुझे? अबे यार दूसरा भाई, अबे तो काटते हैं ना, तो टेंशन क्यों ले रहा? कल से बनाता हूँ फिर है सुबह 5 बजे। ड्रामे नहीं होने चाहिए, देख ले अब एक हफ्ते का गैप हो गया, हफ्ते में नुकसान कितना हुआ तू जानता नहीं है। वो है अपना सब्सक्राइबर, वो भी कहता है यार वीडियो नहीं आई तुम्हारी। तेरे आस पड़ोस में भी सारे सब्सक्राइबर ही भरे पड़े। अब मेरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं वीडियो नहीं आती, 5-6 दिन हो गए, बताइए कोई बात थोड़ रहा है। तो फिर क्या सीन है फिर? कल 1 hour later तो कॉल कर दी। तो अब चलते हैं यहाँ से। संजय भाई तो यार गुस्सा हो गए थे थोड़े, तुम्हारे मना लिया है, तो यार मैं सोच रहा हूँ फिर ये वाला व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर कल से कुछ देखते हैं नए टॉपिक, नए व्लॉगिंग की तरफ को। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।